सो हेलो गाइस, मैं हूँ शौर्य सत्यार्थ। और क्या आप हरकुलस को असाइन किए गए 12 लेबर्स के बारे में जानते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि क्रेटोस 13th लेबर था? वेल, अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताएगा। और आप ये भी जानना चाहते होंगे कि क्यों हरकुलस क्रेटोस से नफरत करता था और उसको मारना चाहता था। हरक्यूलिस की पावर्स एंड एबिलिटीज क्या है? और हरक्यूलिस लगभग 80% मैनर में क्रेटोस के सिमिलर है, कैसे ये सब जानेंगे हम इसी वीडियो में। और शायद आपको ये बात पता होगी कि हरक्यूलिस फिजिकली क्रेटोस से स्ट्रॉन्ग है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, अगर बात करें गेम से हटके यानी ओरिजिनल ग्रीक माइथोलॉजी की, तो हरक्यूलिस एक डेमिगॉड था और वो ज्यूस और एक मॉर्टल वुमेन का बेटा था, और इसलिए हरक्यूलिस भी एक मॉर्टल गॉड है। हरक्यूलिस बचपन से ही ब्लेस था अननेचुरल स्ट्रेंथ के साथ, और ज्यूस की वाइफ हेरा हमेशा से हरक्यूलिस से नफरत करती थी, और उसने हरक्यूलिस का यूज किया, उसका माइंड वॉश किया, और फाइनली उसकी मदद से उसी की फैमिली को मरवा दिया, बिल्कुल क्रेटोस की तरह। जब तक हरक्यूलिस अपने एडल्टहुड में आया, वो मैडनेस की तरफ जा चुका था। तो हरक्यूलिस ने उस वक्त तक बहुत सारे मर्डर्स कमिट किए, यहाँ तक कि उसने अपने दो बेटों को भी मार दिया वाइफ के साथ। क्या बात है, यही सब चलता रहता है ग्रीक माइथोलॉजी में। वेल, जब उसको अपने किए का पछतावा हुआ, तब किंग एरिस्टस ने हरक्यूलिस को असाइन किया 10 लेबर्स को मारने के लिए। 10 लेबर्स वो हैं जिनको मार के हरक्यूलिस अपना रिडेम्पशन पा सकेगा। वेल, बाद में उसे चीट किया गया और वो 10 लेबर 12 लेबर में बदल दिए गए। फाइनली हरक्यूलिस ने अपने स्ट्रेंथ की मदद से ही अपना रिडेम्पशन फाइंड किया और उन 12 लेबर्स को मारा। बाद में हरक्यूलिस की मौत उसके अपने ही दूसरे वाइफ डियानरा से हुई, और वो भी अनइंटेंशनली। वेल, पर गेम में कहानी कुछ और ही थी। आप जानते हैं कि उसकी मौत कहाँ हुई, इस बारे में हम आगे बात जरूर करेंगे। सो हरक्यूलिस की पर्सनैलिटी कैसी थी? वो बहुत ही प्राइडफुल था, उसको घमंड था अपने पावर पे, और बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाया करता था। ऑन दी अदर हैंड, वो दूसरे गॉड्स को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, और वो हमेशा अपने फादर ज्यूस को इम्प्रेस करने में लगा रहता था। वो अपने फादर ज्यूस को ये प्रूव करता था कि वही सबसे बेस्ट है, और उसका अटेंशन पाने के लिए हरक्यूलिस कुछ भी कर सकता था। जब क्रेटोस को चूज किया गया एरीस को मारने के लिए, और उसको मारने के बाद जब क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर बना, तब हरक्यूलिस की जेलिसी एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई थी, क्योंकि उसी वक्त हरक्यूलिस ने नीमेन लायन को मारा था। बट उसकी स्टोरी से ज्यादा फेमस क्रेटोस की स्टोरी हुई कि कैसे क्रेटोस ने एरीस को डिफीट किया। ज्यूस ने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट क्रेटोस का किया था, और इसलिए हरक्यूलिस बहुत ज्यादा जेलिस हो गया क्रेटोस से, और यही रीजन था कि हरक्यूलिस क्रेटोस को हराना चाहता था और उसका गॉड ऑफ वॉर का थ्रोन क्लेम करना चाहता था। हरक्यूलिस एंड क्रेटोस बहुत सारे वे में सिमिलर है। कैसे? हरक्यूलिस एंड क्रेटोस दोनों की ही बॉडी बहुत ही ज्यादा मसल वाली है। दोनों ही अपने बचपन में इन्फ्लुएंस किए गए और गॉड्स की सेवा करने पे मजबूर किए गए। दोनों ने काफी सालों तक गॉड्स की सर्विस की है। दोनों के ही ब्रेन वॉश कर उनके हाथों ही उनकी फैमिली को मरवा दिया, और बाद में उन दोनों को ही इस बात का रिग्रेट हुआ। दोनों ने अपने रिडेम्पशन गेन किए। दोनों ही डेमी गॉड्स हैं, और दोनों ही सन है ज्यूस के। दोनों के पास ही एक अनकंट्रोलेबल रेज है, और दोनों के पास ही आई थिंक इतना काफी है। सो हरक्यूलिस को फर्स्ट हमने देखा था गॉड ऑफ वॉर 3 में, जब वो ऑर्डर्स ले रहा था टाइटंस पे अटैक करने के लिए। बाद में जब क्रेटोस हेरा से इनकाउंटर करता है अरीना में, तो वो हरक्यूलिस को अपना चैंपियन चूज करती है और क्रेटोस के अगेंस्ट फाइट करवाती है, क्योंकि हेरा को ये विश्वास था हरक्यूलिस ही वो होगा जो क्रेटोस को डिफीट करेगा। और इसी वक्त क्रेटोस एंड हरक्यूलिस एनकाउंटर करते हैं एक दूसरे से। हरक्यूलिस ये सब रिवील करता है जो उसके दिल में था। वो कहता है कि क्रेटोस ही ज्यूस का फेवरेट है। जहाँ क्रेटोस एरीस को मार रहा था और गॉड ऑफ वॉर का थ्रोन क्लेम कर रहा था, वहाँ पे हरक्यूलिस ऑगियन के स्टेबल साफ कर रहा था, जहाँ ज्यूस को क्राउंड किया गया गॉड ऑफ वॉर के लिए। वहाँ पे हरक्यूलिस का कोई नाम और निशान नहीं था। और जैसा कि मैंने कहा, हरक्यूलिस ने नीमियन लायन को भी डिफीट किया था, बट उसके चर्चा कहीं भी नहीं हुई अगर कंपेयर करें क्रेटोस से। और यहाँ पे हरक्यूलिस ने ये रिवील किया कि क्रेटोस हरक्यूलिस का अनऑफिशियल 13th लेबर है, और इसको मारने के बाद उसकी रिडेम्पशन पूरी हो जाएगी। पहले तो हरक्यूलिस ने अरीना में अपने सोल्जर्स भेजे क्रेटोस को मारने के लिए, पर क्रेटोस ने सबको मार दिया। बाद में हरक्यूलिस ने डिसाइड किया कि वो खुद ही क्रेटोस से फाइट करेगा, और उसने पहने अपने नीमियन कैस्टर्स। फाइट के बीच में क्रेटोस ने एक के बाद एक उसके दोनों ही नीमियन कैस्टर्स ले लिए और खुद यूज करने लगा। और काफी लंबी और भयानक फाइट करने के बाद क्रेटोस ने फाइनली हरक्यूलिस का सर उसी के वेपन से कुचल दिया। क्या बात है, कितना दर्दनाक एंड हुआ। वेल, यहीं पे हुआ था हरक्यूलिस का एंड गॉड ऑफ वॉर गेम में। बट हरक्यूलिस कोई हलवा नहीं था, वो एक मॉर्टल होने के बाद भी फिजिकली क्रेटोस से स्ट्रॉन्गेस्ट था। यस, वो क्रेटोस से स्ट्रॉन्गेस्ट था। तो लेट्स सी उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या है।
उसके पास वास्ट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, ऑफ कोर्स एक डेमिगॉड होने के बावजूद भी वो एनॉर्मस डिग्रीज ऑफ सुपर ह्यूमन पावर रखता है। उसने कई बार ये प्रूव किया है कि वो बहुत सारे लार्ज मॉन्स्टर्स एंड बीस्ट से ज्यादा पावरफुल है। उसके ढेर सारे एडवेंचर्स हैं। अपने स्ट्रेंथ की मदद से ही क्रेटोस को अरीना में उछाल उछाल के फेंका भी था। सेकंड, सुपर ह्यूमन एजिलिटी। यस, उसकी ये पावर उसको सुपर ह्यूमनली क्विक बनाती है, वो भी बिना किसी एफर्ट के। वो बहुत ही इजिली डॉज कर सकता है इतने भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी। पीक ह्यूमन स्पीड। यस, उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट उसके साइज के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। और भी बहुत सारे, जैसे सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन एंड्योरेंस, वास्ट रेसिस्टेंस, सुपर ह्यूमन लीप एबिलिटीज एंड लॉट मोर। सो गाइस, इतना ही था हरकुलिस के बारे में। हरकुलिस बुरा नहीं था, जैसा कि हम जानते हैं जो जो चीजें क्रेटोस के साथ हुई सेम वही चीजें हरकुलिस के साथ भी हुई थी पास्ट में, बट सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट थे। हमने गॉड ऑफ वॉर गेम में क्रेटोस के प्रोस्पेक्टिव से गेम खेला, इसलिए हम सोचते हैं कि हरकुलिस बुरा था, बट ऐसा नहीं है। हरकुलिस बुरा नहीं था, वो बस अपने आप को प्रूव करना चाहता था ज्यूस की नजरों में, दैट्स इट, जो कभी हो ना पाया। सो गाइस, मैं होप करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप भी अपने नीमियस कैस्टर्स का यूज कर उस रेड वाले कलर के बटन को ऐसे से ऐसा बना दे। मैं होप करता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। सो फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।